ये क्या पूरा मामला था जो आपने किया? ये हुआ कि 29-30 जून की रात को करीब 2 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पर ये जो वेबसाइट चलाते हैं भारत के जो यशवंत है, इनके फ़ोन आने शुरू किए। और करीब 5-6 बार जब इन्होंने फ़ोन किया और मैं सो रहा था, मैंने देखा कि 5-6 मिस कॉल होंगे, तो फिर उसने सर को जवाब देना मैंने उसी से समझा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 5-6 मिनट के बाद 2 बजे के आसपास ही इन्होंने हमारी पत्नी के नंबर पर SMS करने शुरू किए और इस्तेमाल कीजिएगा फ़ोन करने शुरू किए। जब उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया तो उसके बाद इन्होंने SMS भेजना शुरू किया। जैसे पहला मैसेज उन्होंने भेजा, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू जी। तो बड़ा अजीब सा था कि रात को 2 बजे जिसको आप जानते नहीं वो आपको फ़ोन कर रहा है और SMS कर रहा है, खासतौर पर पत्नी को, महिला को। तो उन्होंने जवाब लिखा कि हु इज दिस, तो उनका जवाब आया कि मी भरत, यशवंत भरत। तो उनको फिर वापस उन्होंने, हमारी पत्नी ने SMS किया कि क्या आपको इतनी सेंस नहीं है कि रात के 2 बजे आप एक महिला को फ़ोन कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वापस लिखा कि हाँ मैं नॉनसेंस हूँ, हाँ 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 मैं नॉनसेंस हूँ। तो फिर हमको लगा कि बड़ा गंभीर मामला है। तो अगले दिन हमने इसके बारे में पुलिस से बात की, तो हम पुलिस से बात कर रहे थे, इसी दौरान यशवंत का एक SMS मेरे पास आया अगले दिन कि कल रात को मैं आपको फ़ोन कर रहा था और SMS कर रहा था आपको और मैडम को फ़ोन कर रहा था, मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे और लेकिन आपकी पत्नी जो है, उन्होंने बहुत व्यंग्य के साथ लिखा कि आपकी पत्नी माताजी नाराज़ होंगी, तो मुझे पर मुझे 20,000 रुपये चाहिए और मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे 20,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो बहुत ही हैरान करने वाली बात ये थी कि एक व्यक्ति रात को फ़ोन कर रहा है जिसको आप जानते नहीं ठीक से, जिनसे आपका उठना बैठना नहीं है, वो आपको 2 बजे फ़ोन करे, फिर अगले दिन SMS करे कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है आप दीजिए। उन्होंने लिखा कि उसको उधार चाहिए, लेकिन इसको आप जानते नहीं, उसका उधार मांग रहे हैं रात को 2 बजे 10 बार फ़ोन कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। इसलिए फिर हमने पुलिस में इसकी शिकायत की। सर, ये कहा जाता है कि ये जो वेबसाइट चलाते थे इनसे बहुत सारे चैनलों के पैसे की उगाही करते थे, क्या ये हमने भी सुना कि ये यशवंत पैसों की उगाही करते हैं, ये हमने सुना है, लेकिन हमारे पास तो कोई सबूत कभी नहीं रहा ना, हमसे इन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की। ये पहला मौका था कि इन्होंने हमसे रात को इस तरह से फ़ोन किया और हमारी पत्नी को फ़ोन किया। आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी लिखिए, आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, और उनकी वेबसाइट की भाषा जो हमको लोग बताते हैं कि जो भाषा जिस भाषा में वो लिखते हैं उस भाषा में आप कुछ भी लिखिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ लिखा, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ये है कि आप व्यक्तिगत जीवन में आपने हमको फ़ोन किया, उसके बाद आप रात को पत्नी को 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत कि अगले दिन फिर आप SMS कर रहे हैं कि आपको 20,000 रुपये चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये शायद फ़ोन जो इन्होंने किया वो उसी कड़ी का हिस्सा था कि जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, उगाही करते हैं, पर 20,000 रुपये जो इन्होंने मांगे भी बाद में उधार के तौर पर सही, लेकिन आप 20,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं, किस आधार पर मांग रहे हैं, हमारा आपका क्या रिश्ता है, हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, लेकिन रात को 2 बजे फ़ोन करेंगे आप लगातार 20 बार, उसका कहेंगे 20,000 रुपये चाहिए, तो ये इसके पीछे मंशा कितनी लगती है। क्या ये यशवंत को आप पहले से जानते हैं या कितने अच्छी तरीके से करते हैं? नहीं, मैं यशवंत को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बल्कि यशवंत की जो एक कहानी है जिसकी जो मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए सबको, वो ये कि यशवंत आज से 5 साल पहले दैनिक जागरण अखबार में काम करते थे, और एक बार मैं उस वक्त तारीफ में था और उस वक्त इन्होंने नौकरी के सिलसिले में मुझसे संपर्क स्थापित किया था, और जब 2-3 दिन हो गए इसमें इनको कोई ऑफिस से फ़ोन नहीं गया होगा, तो उन्होंने रात को 1:30 बजे शराब के नशे में हमको फ़ोन करना शुरू किया, और जब हमने इनको समझाया कि कोई वक्त नहीं है आपको, अगर आपकी जॉब के लिए बात कर रहे हैं तो दिन में बात कीजिए, ऑफिस में आके बात कीजिए, तो इन्होंने रात को फ़ोन पर गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत ऐसी गालियाँ जो जिसको हम बयान नहीं कर सकते, और क्या जब इनका फ़ोन लेना बंद कर दिया तो उन्होंने फिर SMS देने शुरू किए। तो अगले दिन हमने इनके जो मालिक हैं संजय गुप्ता दैनिक जागरण के, उनको हमने फ़ोन किया, हमने कहा देखिए साहब आपका रिपोर्टर है, वो नौकरी के लिए फ़ोन कर रहा है ठीक है, लेकिन वो रात को 1:30 बजे फ़ोन करता है, गाली देता है, तो ये तो बहुत ही अस्वीकार्य है। तो संजय गुप्ता जी का मैं आभार जताऊंगा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको 1 घंटे के अंदर दैनिक जागरण से निकाल दिया। तो ये हैबिचुअल इस तरह की क्राइम करने वाले हैबिचुअल पत्रकार हैं जो रात को शराब पी करके किसी को भी फ़ोन करते हैं, गालियां देते हैं, और भी ना जाने क्या कह सकते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, क्या एक्शन होगा? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, नोएडा पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे ही हमने शिकायत की उसके 2 घंटे के अंदर नोएडा पुलिस के SSP प्रवीण कुमार ने बहुत तत्परता दिखाते हुए अपनी टीम का गठन किया, और उसके बाद उन्होंने
इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी ये गिरफ्तार है और मेरी जानकारी के मुताबिक इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके बाद अब बाकी तय कोर्ट करेगी।